देश में पिछले साल से कोरोना संक्रमण के चलते सभी प्रकार के व्यापार को नुकसान पहुंचा है। महामारी के इस दौर में सबसे ज्यादा नुकसान छोटे व्यापारियों को पड़ा है। कैब चलाकर अपना जीवन यापन करने वाले वाहन चालकों में इसका ज्यादा असर देखने को मिला है। जबलपुर के सिविक सेंटर में पिछले चार दिनों से कैब टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कोरोना के पहले ओला कंपनी जो मिनिमम बिजनेस ग्रांट का प्लान देती थी, उस प्लान को अब बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कंपनी जब तक ये प्लान दोबारा शुरू नहीं करती, तब तक वो अनिश्चितकाल के लिए धरना देते रहेंगे। कैब ऑपरेटर एसोसिएशन के धरना प्रदर्शन को कांग्रेस का साथ मिल गया है। कांग्रेस के नेता भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाह रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि धरने पर बैठे लोगों की मांगों को ओला और उबर नहीं मानती है, तो उन्हें जबलपुर में व्यवसाय नहीं करने दिया जाएगा। जबलपुर में करीब 500 टैक्सियां ओला और उबर में अपनी सेवाएं दे रही है। रेसिडेंशियल सर्विस के माध्यम से कई बेरोजगार युवा इससे जुड़कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। कैब टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन के लोग आगामी 25 तारीख को इस संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। देखिए, सन 2015 में ओला रेंटल ट्रांसपोर्ट ट्रैवल सर्विस जबलपुर में आई और यहाँ के नौजवानों को बड़े वादे और दावे करे और शहर की आबादी को भी बहुत वादे करे कि हम एक बहुत अच्छी रेंटल सर्विस जबलपुर में शुरू करने जा रहे हैं और नौजवानों को वादे करे कि इस सर्विस के माध्यम से आपको रोजगार मिलेगा, आपकी जो टैक्सी कैब है वो ओला के माध्यम से सुचारू रूप से चलेंगी, अगर आपके पास टैक्सी नहीं भी है तो भी आप उसको फाइनेंस करा लें, ओला इसको चलवाने की जवाबदारी लेगा, आपको एक रोजगार का एक साधन मिलेगा। पिछले 5.5 साल से जिस तरीके से ओला ने शोषण करा, ये सबके सामने है, सार्वजनिक है। जिस तरीके से जो ड्राइवर चालक साथी हैं उनके इंसेंटिव दिन पर दिन कम करते गए, उनके कमीशन कम करते गए, उनके ऊपर अनाप शनाप पेनाल्टियाँ लगा दी गई, जिसकी उनको जानकारी भी नहीं दी जाती है कि इनको किस कारण से पेनाल्टी लगाई गई। बीच में कोरोना काल आया, कोरोना काल का बहाना लेते हुए, लॉकडाउन का बहाना लेते हुए इनके इंसेंटिव समाप्त कर दिए गए, कमीशन को कम कर दिया गया, तमाम जिस तरीके से भी इनका शोषण कर सकते थे ओला कंपनी ने करा। 18 तारीख से ये ड्राइवर साथी यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं और अपनी जायज मांगों को लेकर अधिकारियों से बात करना चाह रहे हैं। आज छठवा दिन है और आज दिन तक कोई भी अधिकारी इनकी सुध लेने नहीं आया है। आज कांग्रेस पार्टी ने इनके आंदोलन को समर्थन दिया है। इस आंदोलन को बड़े पैमाने पे जबलपुर स्तर पे हम लोग चलाने जा रहे हैं और ओला कंपनी को हम लोग यहाँ से संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर इन ड्राइवरों का शोषण होगा तो आप अपना बोरिया बिस्तर तैयार रखें, जबलपुर में आपकी रेंटल सर्विस को हम लोग चलने नहीं देंगे। आज इधर बैठक में हम लोगों ने तय करा है कि आने वाली 25 तारीख को ओला उबर में जितनी भी टैक्सियां अटैच हैं वह यहां पर सब इकट्ठी होंगी और श्रृंखलाबद्ध तरीके से अपनी टैक्सी के साथ अपने परिवार के साथ जिला कार्यालय का घेराव करेगी और जिला अध्यक्ष महोदय को बताएगी कि किस तरीके से ओला कंपनी जबलपुर शहर के जो नौजवान हैं उनके साथ खिलवाड़ कर रही है, उनके श्रम का शोषण कर रही है। ओला कंपनी को चाहिए कि शीघ्र अतिशीघ्र यहां पर आए, इनकी मांगों पर उसका निष्कर्ष निकालें। अगर आप चाहते हैं जबलपुर शहर में अगर ओला की सुचारू रूप से आपकी सेवाएं चले, उसके पहले आपको जो हमारे ड्राइवर साथी हैं उनको संतुष्ट करना पड़ेगा, उनको उनके श्रम का शोषण आपको देना होगा। हम सभी लोग कैब टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन के सदस्य हैं, जो कि सिविक सेंटर पार्क में विगत 18 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरने में बैठे हुए हैं। हमारी मांगे हैं कि जो पूर्व में मिनिमम बिजनेस गारंटी जो प्लान कंपनी देती थी वो कोरोना काल के बाद बंद कर दिया गया है और जो पेट्रोल डीजल के दाम अभी आसमान छू रहे हैं उनको देखते हुए कंपनी के द्वारा रेट बढ़ाया जाए और कंपनी हम लोगों की जो भी जायज मांगे हैं उनको माने। लेकिन अभी तक ओला के द्वारा हम लोगों से कोई भी संपर्क नहीं किया गया है, जिसकी वजह से हम लोग अनिश्चित काल के लिए यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। जब तक मांगे हमारी पूरी नहीं होती हम लोग इसी तरह अनिश्चित काल के लिए धरने पर बैठे रहेंगे और आज हमें कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया है, जिनके नेतृत्व में हम 25 तारीख को कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे अपनी मांगों के लिए। कितनी टैक्सी होंगी जबलपुर में? ओला में हमारी लगभग 450 से 500 टैक्सी हैं जो अभी पूर्णतः बंद है। इंसेंटिव कितना मिलता है? इंसेंटिव पहले हम लोगों को लगभग 10 बुकिंग में 1100 रुपए की मिनिमम बिजनेस गारंटी दी जाती थी, जो कि अब पूरी तरह से कंपनी के द्वारा बंद कर दी गई है और सिर्फ कमीशन काटा जा रहा है। नीलेश कुमार मांझी। आप देख रहे हैं रश इंडिया न्यूज़, हर खबर सच्चाई के साथ।